अगर जीवन में कुछ पाना है कुछ करना हो तो माता पिता की सेवा कर लीजिए। जो पुत्र पुत्री माता पिता की सेवा करते हैं उन्हें किसी तीर्थ व्रत में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। उनका तीर्थ घर में है, आपके साथ है। आपका तीर्थ आपके साथ है, आपके घर में है, आपके हृदय में है। जीवन में आपको अगर राजा बनना है, जीवन में कुछ ऐसे अच्छे कर्म करना है तो केवल माता पिता की सेवा कर लीजिए। आपके जीवन में माता और पिता ये सर्वश्रेष्ठ भगवान है। जिस मनुष्य ने अपने पिता की सेवा कर लिया, सद्भावना रही, सद्भाव रही, निष्काम भाव रही, जिस पुत्र ने अपने पिता की सेवा कर लिया, मानो साक्षात भगवान शिव की सेवा कर लिया। जिस पुत्र ने अपनी माता की सेवा कर लिया, पुत्र और पुत्री दोनों के लिए यह बड़ा दिव्य और परम कल्याणकारी प्रसंग है। जिस पुत्र और पुत्री ने अपनी माँ की सेवा कर लिया, उनका चंद्रमा ऐसे ही प्रबल हो जाता है, ऐसा प्रबल होता है। वह जीवन में दिव्य ज्ञानी और दिव्य ज्ञानी के साथ साथ दिव्य महापुरुष भी बन सकता है गृहस्थ में रहते हुए। और जिस बालक बालिका ने, पुत्र ने, पुत्र वधु ने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, उन्हें ठुकराया, उन्हें दुराया, उन्हें पितृ दोष से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में एक घड़ी के लिए अगर आप भगवान शिव की भी पूजा ना करें, माता पार्वती जी की भी पूजा ना करें, माँ जगत अम्बा की आराधना भी ना करें और उन्हें को अपनी माता को जगत अम्बा के स्वरूप में मानने लगे, उसका भी निश्चित ही कल्याण होगा। पितृ दोष से मुक्त होना है तो पिता की सेवा कर लीजिए, माता की सेवा कर लीजिए। इनके मुख से जो आशीर्वाद निकलता है, बिना पैसे का निस्वार्थ भाव से जो हृदय से अनुग्रह आशीर्वाद निकलता है, वह आपके जीवन में ब्रह्मास्त्र बन जाता है। और जब यह ब्रह्मास्त्र आपको प्राप्त हो जाता है तो यह ब्रह्मास्त्र को और आपके भाग्य में दिव्य परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता। कितना बड़ा शत्रु आपके समक्ष खड़ा हो, उसके अंदर इतना साहस कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन को, आपके जीवन के सौभाग्य को वो दुर्भाग्य में परिवर्तित कर दे। ऐसा किसी संत में, किसी भगवान में भी सामर्थ्यता नहीं है। जो मनुष्य माता पिता की सेवा करते हैं, उनके साथ माँ भगवती, जगत अम्बा, जगत तारिणी, माँ अम्बा भवानी, माँ ब्रह्मास्त्र विद्या, माँ ब्रह्मास्त्र विद्या के साथ दसों महाविद्या, नौ देवी शक्तियाँ सब साथ चलते हैं। जीवन में शत्रु भय से मुक्त होना है,
शत्रु की बुद्धि स्वयं परास्त हो जाएगी और उसकी शत्रु बुद्धि परास्त होकर के आपके लिए उसकी बुद्धि मित्रता में परिवर्तित हो जाएगी। जिस मनुष्य के जीवन में माता पिता का अनुग्रह आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है।